आयोजक हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान। हिंदू युवा वाहिनी, वैसे तो मैं समझता हूं कि देश भर में जितने भी संगठन हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रखर और मुखर है, लेकिन राजस्थान की धरती पे होने के कारण एक तो इस संगठन का नाम देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के नाम से जुड़ा हुआ है, एक योगी के नाम से जुड़ा हुआ है, एक सन्यासी के नाम से जुड़ा हुआ है, एक भगवा रंग से जुड़ा हुआ है। और अगर यही रंग और यही तेवर जब राजस्थान पहुंचते हैं तो राजस्थान की धरती में महाराणा प्रताप और राजपूतों का जो बड़ा योगदान है, जितने भी हम युद्ध देखें उसमें जितनी धूल मुगलों को और इस्लामिक आतंकवादियों को राजस्थान की धरती के वीरांगनाओं ने और वीरों ने दी है, उतनी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मुझे खुशी है कि हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान के तमाम युवा लोगों ने, खास तौर से केशव अरोरा जी जो हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जनाब जितेंद्र सिंह योगी सेवक जो के प्रदेश प्रभारी हैं, संजय बुराणा साहब प्रदेश के महामंत्री, और विक्रम सिंह साहब जो जिला संयोजक हैं धौलपुर के, आपने मुझे बुला करके, मुझे दावत दे करके बड़ी कृपा की। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लोग देश भर में जो जमीन पे युद्ध लड़ रहे हैं, आमना सामना कर रहे हैं जिहादियों का, इस्लामिक आतंकवादियों का, आक्रांताओं का, और इस देश के इतिहास लिखने वाले इंटेलेक्चुअल आतंकियों का, इस देश के एकेडमिक आतंकवादियों का, इस देश में नैरेटिव सेट करने वाले आतंकवादियों का, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारे मीडिया में भी है, जो हमारे एकेडमिया में भी है, जो प्रोफेसर्स की शक्ल में है, जो अध्यापकों की शक्ल में है, जो स्कूल में है, ये तमाम सारे लोगों से आप जमीन पे रोज लड़ते हैं। क्योंकि आज आपने जो विषय रखा है, इस विषय से भी लगता है कि ऐसा विषय सिर्फ हिंदू युवा वाहिनी ही रख सकती है, और किसी में इतनी ना तो निडरता है और ना ही वो बहुत साफ साफ कहने वाले लोग हैं। लिहाजा विषय के चुनाव से पता चलता है कि आज मैं देश भर में उत्तर प्रदेश के गांव गांव और राजस्थान के शहर जिलों पंचायतों तक युवा वाहिनी के जो एक एक कार्यकर्ता है, जो भारत राष्ट्र को बचाने, भारत की सनातन संस्कृति को बचाने, और जिन लोगों से खतरा है उनसे आमना सामना कर रहा है, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने आज का टॉपिक दिया है इस्लाम भारत के लिए बड़ी चुनौती और सनातन की भूमिका। देखिए, चुनौतियों पे तो बात करना बहुत आसान है, और क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो विषय आपने चुना वो विषय मेरा बड़ा प्रिय विषय है, इसलिए हम पहले ये तय करें कि हमारी भूमिका क्या है। चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे आतंक हो, चाहे जिहाद हो, इन सब के सामने एक सनातनी को कैसे खड़ा होना है, सनातनी को कैसे तैयार होना है। और ये एक ऐसा युद्ध है जो पिछले कई सौ सालों से चल रहा है, और मैं ये मानता हूं कि इस युद्ध को जो लोग चला रहे हैं, जो 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुए थे, जिनके यहां कारवां लूटने की संस्कृति है, जिस मजहब के पैगंबर कारवां लूटते हो,
जिस मजहब की किताब के अंदर लूटने वालों में सामान धन दौलत का बंटवारे के साथ साथ औरतों का भी बंटवारा होता हो, जिस मजहब में गुलाम बनाने की प्रथा हो, आप उस मजहब से कई सौ साल से लड़ रहे हैं, जो आपके आपकी संस्कृति के विश्व में मानवता के खिलाफ हैं, जिनकी किताब ये कहती हो कि उनके अलावा जिनका अल्लाह पे यकीन नहीं है, जो ये नहीं मानते कि प्रॉफिट मोहम्मद जनाब आखिरी पैगंबर हैं, वो धरती पे उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए कुरान मजीद की सूरा नंबर 100 आयत नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां भी मुशरिक, मुशरिक का अर्थ है जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जहां भी मुशरिक मिले आपको उसका कत्ल करने का हक है। इससे अल्लाह खुश होगा, आपके प्रॉफिट खुद खुश होंगे, और आपको जो अल्लाह मियां ने एक ऊपर बार बनाया हुआ है और हूरों की शक्ल में वहां बार डांसर मौजूद हैं, ये जो झूठा एक फ्रॉड क्रिएट करा गया है, ये सिर्फ इसलिए करा गया है कि जब मुसलमान से ये आह्वान किया जाता है कि दीन को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, किससे बचाना है, जो तुम्हारे अल्लाह और प्रॉफिट को न मानता हो, तो अगर तुम उनसे लड़ते लड़ते मारे गए तो तुम्हें ऊपर जन्नत मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि हर आदमी हूरों का मतलब नहीं समझता है, वहां हूरे मिलेंगी या नहीं, बहुत खूबसूरत औरतें मिलेंगी, वहां शराब की नदियां बह रही होंगी। अब वहां ना तो शराब की कंपनी चलाने वाला विजय माल्या मौजूद है, और वहां कौन सी खूबसूरत औरत मिलेंगी यह भी मुझे पता नहीं है। लेकिन जिस मजहब में औरत और दौलत के अलावा कोई बात ही ना हो, वो मजहब नहीं हो सकता, वो गिरोह हो सकता है, वो लुटेरों का गिरोह हो सकता है, वो हत्यारों का गिरोह हो सकता है, वो मक्कारों का गिरोह हो सकता है। लिहाजा अजीब कंट्रडिक्शन है कि इस्लाम में शराब मना है, यह किताब में लिखा है, यह बताते हैं, अल्लाह जाने कहां लिखा है। तो जब तक जिंदा थे तब तक तो शराब पीना हराम है, और अगर आप काफिर को मारें, हिंदू को मारें, क्रिश्चियन को मारें, आप पारसी को मारें, सिख को मारें, जैन को मारें, बौद्ध को मारें, और अगर मारते मारते आपकी मौत हो जाए, तो अल्लाह मियां आपको 72 कम से कम खूबसूरत औरतें देगा, और वहां शराब की नदियां बह रही होंगी। तो वो कैसा अल्लाह मियां है जिसने जमीन पे जिंदा इंसान को शराब पीना हराम बताया है, और जब वो अपने घर बुलाता है तो वहां शराब बट रही होती है, और उसका इस तरीके से वर्णन और दृश्य प्रस्तुत किया जाता है जैसे वो जन्नत ना हो, कोई हरम हो, अय्याशी का अड्डा हो। और अगर आप जमीन पे रहते रहते काफिरों को मारें, मुशरिकों को मारें, और आप जिंदा बच गए, तो यहां जमीन पे काफिरों की औरतें, उनकी लड़कियां, उनकी दौलत, वो सब आपकी, उनके मकान आपके, उनके महल आपके, उनका राष्ट्रपति भवन आपका, उनका उपराष्ट्रपति भवन आप जगह हो जाएगा। तो दोनों तरफ खातों में लड्डू है, यहां काफिरों को मारो जैसे कश्मीर में मारा, 5 लाख हिंदू कश्मीरियों को भगा दिया, 2500 की हत्या कर दी, उनके मंदिरों पे कब्जा कर लिया, उनके बड़े बड़े सेब के जो बाग थे उन पे कब्जा कर लिया, उनके बड़े बड़े 10-10, 15-15 कमरों के मकान थे उस पे कब्जा कर लिया, उनका रुपया पैसा लूट लिया। तो आप दौलत और औरत के अलावा आपके जहन में कुछ चलता नहीं है, और इससे आगे आप सोच नहीं पाते। तो सवाल यह है कि एक सभ्यता यह कहती है, दूसरी जो सभ्यता है
इस्लाम को मैं सभ्यता भी नहीं मानता। मैंने कहा कि मैं इसे एक लुटेरों का, बलात्कारियों का, हत्या करने वाला एक गिरोह मानता हूं। और इसमें कोई बहुत मैथमेटिक्स, कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है। जो समस्या है सनातनियों की, जिसमें आप युवा लोग लड़ रहे हैं, और क्यों आप सामने वाले को तर्कों से, लॉजिक से, रीजन से, फैक्ट से, रेफरेंसेस के साथ आप उसे हरा नहीं पाते, क्योंकि हमने हिंदू संगठनों को देखा है कि हिंदू संगठन बहुत है इस देश में, लेकिन हर हिंदू संगठन के पीछे मुझे ऐसा लगता है वो संगठन बन जाए और संगठन बन के कुछ करना शुरू कर दें, किसी राजनीतिक दल के पिछले गु लग जाएं, किसी इस पार्टी से टिकट मिल जाए, उस पार्टी से टिकट मिल जाए। इसके अलावा जो जमीन पे काम करना चाहिए था, जो अपने आने वाली जनरेशन युवाओं को सच बताना चाहिए था, वो सच नहीं बताया।